हेलो एवरीवन, आई एम साहिल। सो गाइस, आज हम इंग्लिश के कैसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स को हमेशा लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, इस टॉपिक को करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के पास क्लासेस लगाने के लिए भी जाते हैं, स्टिल कहीं ना कहीं उस पार्ट में प्रॉब्लम रह जाता है। ठीक है, तो दैट टॉपिक इज टेंसेस। ठीक है, जब भी किसी स्टूडेंट की स्पीकिंग लेते हैं तो वो क्या बोलता है कि मेरे को टेंसेस में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, टेंसेस में प्रॉब्लम है। और टेंसेस की वजह से बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है, उनको हेजिटेशन होता है स्पीकिंग वाले पार्ट में, फिर लिखते हुए भी सेंटेंस गलत करते हैं और बोलते हुए भी सेंटेंस गलत करते हैं। आज हम सेंटेंसेस सबसे ईजिएस्ट फॉर्म में सीखेंगे। आज जिस तरीके से हम सेंटेंसेस सीखेंगे, हम स्टोरी की फॉर्म में सेंटेंसेस सीखेंगे, मतलब एक कहानी की फॉर्म में, कि टेंसेस आए कैसे, कैसे इनकी फॉर्म्स आई, कैसे इनकी वेरिएशंस हुई आगे आगे। ठीक है जी, सो टेंसेस जो चीज़ें इसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, इसको ईजिएस्ट वे में कैसे करना सीखेंगे, देखिए। तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, दुनिया में एक इंसान आया सबसे पहले जिसका नाम था टेंसेस। ठीक है, दुनिया में एक इंसान आया सबसे पहले जिसका नाम था टेंसेस, और जब ये दुनिया में आया तब लोगों को इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था। पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया कि मैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करवाऊंगा कि बोलनी कैसे है और लिखनी कैसे है। मैं लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स की ड्यूरेशन को कैसे कैसे लिखना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बताऊंगा। मैं दुनिया में सबसे पहले आया हूं तो मैं ट्रेंड सेट करूंगा कि हाँ, लोगों को इंग्लिश बोलनी सिखानी है और इस वे में सिखानी है और इस तरीके से, इस तरह के टेंसेस सिखाने हैं। तो इसने जिम्मेदारी ली, ठीक है जी, कि मैं एक ट्रेंड सेटर ऐसे एक्ट करूंगा। तो जब इसने जिम्मेदारी ली, उसके बाद इसके 3 बच्चे हुए। एक बच्चे का नाम इसने रखा पास्ट, एक का रखा प्रेजेंट और एक का रखा फ्यूचर। ठीक है जी, तो टेंसेस के 3 बच्चे हुए, एक का नाम था पास्ट, एक का था प्रेजेंट, एक का था फ्यूचर। तो इसने इन तीनों को जिम्मेदारी दे दी, भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर और कैसे स्पीकिंग पार्ट इंप्रूव करवाना है। अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपनी अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर लो कि किस वक्त कौन आएगा, किस वक्त कौन आएगा, किस वक्त कौन आएगा। ओके, तो आज हम इस वीडियो में जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो इसके फर्स्ट सन के बारे में बात करेंगे, जो कि है पास्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इसके फर्स्ट सन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पास्ट। तो पास्ट की कहानी कैसे स्टार्ट होती है, पास्ट के आगे 4 बच्चे हुए। एक का नाम था सिंपल, एक का नाम था कॉन्टिन्यूस, एक का नाम था परफेक्ट और लास्ट वाले का नाम था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जो पहला बच्चा था जिसका नाम था सिंपल, जैसे घर में क्या प्रथा होती है, हाँ भाई तो पहला बच्चा घर का है ना, तो अपनी मनमर्जी कर ले, तो पहला बच्चा घर का तो अपनी मनमर्जी कर ले। तो ये जैसे कि 2 तारीख को पैदा हुआ था, ही वॉज बॉर्न ऑन द 2nd ऑफ द मंथ, तो ये 2 तारीख को पैदा हुआ था। तो इसने अपने फादर को बोला कि मैं 2 तारीख को पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे उनमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म को कंसिडर करूंगा, मतलब मेरे साथ मेरा जो भी दोस्त आएगा वो मेरे तरीके से मॉडिफाई होके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक दोस्त अगर मैं लगाऊं ईट, ये ईट को बोलता, अगर तूने मेरा दोस्त बनना है, मेरे साथ लगना है, तो तेरे को मेरे तरीके से लगना पड़ेगा भाई, वरना मैं तेरे साथ दोस्ती रखूंगा ही नहीं। तो ईट बेचारा शरीफ था, मान गया, फादर भी इसकी बात मान गए कि ठीक है भाई, तेरी मर्जी है, तेरी लाइफ है, जो मर्जी कर ले। तो ये जब भी हम सिंपल पास्ट सेंटेंस में लिखते हैं, इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आई एट, ठीक है जी, आई एट मतलब मैंने खाना खाया था, आई एट द फूड, मैंने खाना खाया था, ये हो गया, ये इसकी बात मान ली गई। फिर आया जी सेकेंड चाइल्ड, तो सेकेंड चाइल्ड से पूछा गया, भाई तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं। तो ये क्या कहता, कहता मेरे बड़े भाई ने क्या किया, मेरे बड़े भाई ने तो दोस्त का फॉर्म ही चेंज कर दिया, उसको अपनी फॉर्म में नहीं लगने दिया, उसका फॉर्म ही चेंज कर दिया, उसने तो कंडीशन रख दिया, अगर मेरा दोस्त बनना है तो मेरे जैसे चलना पड़ेगा। कहता मैं ऐसा नहीं हूं, ठीक है जी, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं क्या करूंगा, दोस्त को भी साथ में रखूंगा और अपना अस्तित्व भी साथ में लगाऊंगा, जिससे कि पता लगेगा कि वो मेरा दोस्त है। मेरा अस्तित्व क्या हो गया, ING, मतलब जब भी मेरे बारे में बात होगी, जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात होगी, तो मेरा अस्तित्व कैसे डिफाइन होगा, कि मेरा अस्तित्व ING है
और मेरे जो और दो साथ में दोस्त हैं, मेरे जो कंपेनियंस हैं, वॉज और वर, वो साथ में चलेंगे। वॉस को मैं उसके पास भेज दूंगा जब किसी को एक इंसान के बारे में बात करनी होगी, और वर को मैं उसके साथ भेज दूंगा जिसको ज्यादा इंसानों के बारे में बात करनी होगी। जैसे कि आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, मतलब पास में मैं ये काम कर रहा था। दे वर ईटिंग, वो खा रहे थे। तो कॉन्टिन्यूस ने इसको उसके पास क्यों भेजा? क्योंकि वो ज्यादा लोग थे। और वॉस को आई ही शी के साथ रखा क्योंकि वो एक पर्सन के बारे में बात हो रही थी। ठीक है जी, तो इसकी बात भी मान ली गई। नेक्स्ट आया थर्ड पर्सन परफेक्ट। परफेक्ट कहता जैसे ये 2 तारीख को पैदा हुआ तो इसने सेकंड फॉर्म को अपने साथ रख लिया। मैं 3 तारीख को पैदा हुआ था, मैं तो थर्ड फॉर्म रखूंगा, मैं थर्ड फॉर्म रखूंगा अपने साथ क्योंकि मैं 3 तारीख को पैदा हुआ था। तो ईट अगर इसका दोस्त है तो ईट को अगर इसके साथ लगना है तो ऐसे लगना पड़ेगा। इसको एक और चीज के साथ बहुत ज्यादा प्यार था जो थी हैड। कहता अगर मैं सेंटेंस में इसको लगाऊंगा ना, मैं इसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये बताएगा कि मैंने पिछले टाइम पे ये काम कर लिया था। आई रिटर्न द फूड, मतलब मैं खाना खा चुका था। आई हैड इटन द फूड, मतलब अगर इसको मेरा दोस्त बनना है इसको थर्ड फॉर्म में ही लगना पड़ेगा। और हैड तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा क्योंकि ये मेरा पक्का दोस्त है, इसको नहीं मैं छोड़ सकता, ये मेरे साथ चलेगा ही चलेगा, ये मेरा ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है। इसकी बात भी मान ली गई। अब बेचारा बच गया लास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब बचा हुआ बेचारा क्या करता? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका नाम ही इसके दोनों भाइयों के साथ मिलकर बड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि इसकी इन दोनों भाइयों के साथ ज्यादा बनती थी। तो कहता मेरी इन दोनों भाइयों के साथ ज्यादा बनती है तो मेरा नाम भी आपने उसके नाम पे डाला है तो मैं इनकी क्वालिटीज भी इसकी लूंगा। तो वो फिर इसके पास आता है कि भाई देख यार मेरी मदद कर। तो कहता चल ठीक है यार, मेरा ये ट्रस्टवर्दी दोस्त था, इसको तो अपने साथ रख ले। और जब इसके साथ जाता है ये कहता चल मैं और मेरा दोस्त दोनों सेरे साथ रहेंगे। मतलब ये ईटिंग, जब भी पास कॉन्टिन्यूस की बात होती है हैड के साथ ईटिंग लगता है। और एक और चीज लगती है, ये कहता भाई एक तो मैंने तेरे से ले ली, एक तो मैंने तेरे से ले ली, मेरा अपना अस्तित्व क्या फिर? तो फिर ये करता है बीन से दोस्ती, ये करता है बीन से दोस्ती। बट बीन की क्या कंडीशन होती है? बीन कहता है भाई मैं तो तभी आऊंगा जब मेरे तू बाकी दोस्तों को साथ में लेके आएगा, वरना मैं नहीं आने वाला तेरे साथ। मैं तभी आऊंगा तेरे साथ जब तू मेरे बाकी दोस्तों को साथ में लेके आएगा, वरना मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। तो इनके ये जो दोस्त हैं इनकी आपस में ही नहीं बनती थी, सिंस और फोर्स की आपस में ही नहीं बनती थी। ये कहता मैं भी टाइम के लिए यूज होता हूं, ये कहता मैं भी टाइम के लिए यूज होता हूं। तो फिर बीन तो इसके बाद जाना था, बीन कहता कि मैंने तेरे साथ जाना है बट मैं अपने दोनों दोस्तों के बिना नहीं आ सकता। तो फिर क्या किया गया? सिंस और फोर की सुलह करवाई गई। फोर को बोला गया कि तू फिक्स टाइम के लिए हो जा, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फिक्स टाइम के लिए हम फोर को यूज करते हैं। और सिंस को बोला गया तू नॉन फिक्स टाइम के लिए हो जा, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस 1950, है ना, ये नॉन फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ भाई, इसका परिवार कंप्लीट हो गया। ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, अब भी खुश। ओके, सो आई होप पास्ट की आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके सेंटेंसेस बना के देखिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब नेक्स्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की स्टोरी तभी आएगी जब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंट का वंश जो है वो आगे कैसे चला और फ्यूचर का वंश जो है वो आगे कैसे चला। इट विल ओनली कम इफ यू गाइस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डू लेट मी नो वेदर यू लाइक दिस स्टोरी, वेदर यू लाइक दिस फॉर्म ऑफ टीचिंग। सो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली कम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, टिल देन थैंक यू, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।